एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 3R है तो उसका परिधि ज्ञात है। तो उसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक अर्धवृत्त बना लेना है और देखिए अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है 3R, ये पूरा हो जाएगा 6R व्यास के बराबर और अर्धवृत्त की परिधि क्या है 2πR, तो अर्धवृत्त है 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पाई, ये 6R ये हो गया अर्धवृत्त का पाई आर, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6R प्लस पाई आर, आर आर दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 6 प्लस पाई आंसर।